नहीं गिर पड़े अंकल, प्लीज छोड़ दो छोड़ दो। अभी कहा जाएगा। अरे रुक, प्लीज छोड़ दो यार। अरे घूमो नहीं, पकड़ो। अगर विवान ने गिर पड़े जी को छू लिया तो वो पत्थर के बन जाएंगे। सॉरी गिर पड़े जी। नहीं, नहीं। विमान तो भारत नगर के बाहर जा रहा है। अभी तक तो खतरा सिर्फ भारत नगर के लोगों पर था, लेकिन अब ये खतरा पूरे शहर पर होगा। बालवीर, हम विमान को दूरवाणी से क्यों नहीं खबर कर देते? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज सुबह मैंने विमान की सारी शक्तियां वापस ले ली थी, इसलिए हमें खुद जाकर विमान को रोकना होगा। दीदी को पता चल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो पूरी भारत नगर को पता चल जाएगा। अरे विवान तो ठीक है ना? नहीं, मेरा हाथ पकड़, उठ। ये मदद का हाथ नहीं, मम्मी की पिटाई का एडवांस है। अगर दीदी को हाथ लग गया तो आज नहीं बचूंगा। नो थैंक्स दीदी। अरे बालवीर, चिंता मत कीजिए, मैं भी स्थिर मूर्ति जादू का इस्तेमाल करता हूँ। ये क्या बालवीर, तुम्हारे जादू का असर तो खुशी पे हो ही नहीं रहा है। मुझे लगता है हमें शौर्य से बात करनी चाहिए। शौर्य जब तक इसका तोड़ ढूंढते तब तक आप सब खुशी को लेकर घर जाइए और उसकी सुरक्षा कीजिए, तब तक मैं विवान के पीछे जाता हूँ। हाँ बालवीर, अगर करुणा जी ने खुशी को इस हालत में देख लिया उनका तो दिल ही टूट जाएगा। मैं इसे कहीं पर छुपा कर रखती हूँ। अरे तोबा तोबा, वो बालवीर तो पूरे शहर को बचाने में व्यस्त है और यही तो हमारी बहरानी चाहती थी। अरे अब उनकी असली योजना शुरू होगी। इधर ये लोग व्यस्त रहेंगे और उधर बहरानी विमान पर जादुई खंजर से हमला करके उसे ही मूर्ति में तब्दील कर देंगी। सुना तुमने मस्ती परी? हाँ, और इसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी के लोगों से ज्यादा खतरा विमान पर है। हमें फौरन जाकर बालवीर को यह बताना चाहिए। हाँ मस्ती परी, चल चल। विवान, कहाँ जा रहे हो भाग के? मेरा खिलाया हुआ फल तुम्हें कैसा लगा? पूरी धमकी के जैसा। तुम्हारे दिया हुआ जादुई फल टोटली फेल हो गया है। देख लो तिमनासा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर फल से कुछ नहीं हुआ तो अब होगा। लगता है तुम भूल गए कि बालवीर ने तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली है, अब ये छोटे मोटे जादू कैसे चलेंगे? मरने के लिए तैयार हो जा। बालवीर, विवान की जान को खतरा है। हाँ बालवीर, हमने तौबा तौबा जबदाली को बात करते हुए सुना है कि तिमनासा हम सबको उलझाकर विवान पर हमला करना चाहती है। नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते।
बार बार हार का स्वाद चखकर इतना तड़प रही हो कि अब तुम बच्चों पर खंजर चलाओगी। यही तो फितरत है मेरी बालवीर, लेकिन तुमने एक खंजर तो रोक लिया, अब बाकी सारे कैसे रोकोगे? जाओ बालवीर, तुम जैसे ही विवान को छुओगे पत्थर के बन जाओगे। अभी बीच में आना था, बेजान हो जाएंगे लेकिन अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। उफ, ये अच्छे लोग। पटर, ये कैसे हुआ? मस्ती भरी पत्थर की कैसे बन गई? दरअसल तिमनासा ने तुम्हें जो फल खिलाया था ये सब उसी की वजह से हुआ है। इस फल की वजह से तुम जिसे भी छुओगे या कोई भी तुम्हें छुएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। इसका मतलब ये सब मेरे हाथों से हुआ है? नो थैंक्स दीदी, मैंने तो दीदी को भी छुआ था। इसका मतलब दीदी भी? रुको विवान, यहीं पर दीदी ने मुझे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। पाटन, अब सही कहते हो, मैं वीर-लोक की शक्ति हासिल करने के लायक ही नहीं हूँ। मैं दुनिया की क्या रक्षा करूंगा? मैंने तो अपनी दीदी को ही पत्थर बना दिया है। विवान, ऐसा मत सोचो। मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगा? कहाँ चली गई दीदी? चिंता मत कर, खुशी हमारे पास ही, चलो मेरे साथ। दीदी, मेरी हाथों से पत्थर बनी हो, इससे पहले कि मेरे ये हाथ और नुकसान पहुंचे मैंने तोड़ दूंगा। नहीं विवान, विवान रुक जाओ। विवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? हमेशा मेरी ही शरारत की वजह से कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। नहीं विवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तिमनासा की करतूत है, उसे ने ये सब किया है। पाटर प्लीज, मस्ती परी और दीदी को ठीक कर दो। नहीं विवान, मैं इन्हें अपनी शक्तियों से ठीक नहीं कर सकता। विवान, क्यों नहीं कर सकते पाटिल? अब बालवीर हो, अब दुनिया की रक्षा कर दो, फिर ये कैसे हो सकता है कि आपकी शक्तियों से मस्ती परी और दीदी ठीक ना हो सके? मैं तुमसे वादा करता हूँ विवान, तिमनासा की इस काली करतूत का जवाब हम जरूर देंगे। विवान, फिलहाल तुम अभी घर जाओ, करुणा जी परेशान हो रही होंगी ना। और विवान, एक बात याद रखना, किसी भी जीव को हाथ मत लगा, ठीक है? वायु परी, अब यहीं पर रुकी, मैं और पानी परी शौर्य के पास जा रहे हैं, शायद उन्हें उस फल का कोई इलाज मिल गया हो। क्या बात है विवान, आज सूरज डूबने से पहले ही घर जा रहे हैं। मुझे वो थोड़ा होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क तो हमें भी करना है विवान, लेकिन पहले हमारे साथ थोड़ा खेल लो। बैट दिया है, दोस्ती की है, तो थोड़ा खेलना तो बनता ही है ना। हाँ, लेकिन तीन लोग मिलकर क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? आज रहने दो चिंडू प्लीज। अरे तो चिंता मत कर विवान,
हमारे पास चौथा भी है, मीट पिंटू भैया। बलवान, पिंटू बलवान नाम है मेरा। विवान, मैं तुम्हें पंचा लड़ाने का चैलेंज देता हूं। पिंटू भैया, विवान को पंजा लड़ाने के बहाने उसकी कलाई मोड़ देना, फिर वो हमें क्रिकेट में कभी नहीं हरा पाएगा। क्या हुआ विवान, डर गया क्या? डर नहीं गया हूँ बेवकूफ चिंटू, अगर मैं इसके साथ पंजा लड़ाऊंगा तो ये पिंटू बलवान से पिंटू पहाड़ बन जाएगा, और अब मैं किसी और को पत्थर नहीं बनाना चाहता हूँ। ओ हेलो, मैं डरा नहीं हूँ, अगर मैं और पिंटू पंजा लड़ाएंगे तो तुम दोनों क्या करोगे? गेम कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम चारों खेल सके। एक काम करते हैं, हम लोग लुका छुपी खेलते हैं। है? बच्चों वाला गेम? अरे छुपने के बहाने में कर चला जाऊंगा। विवान, मुझे तो तुम्हारे साथ पंजा ही लड़ाना है। नहीं नहीं नहीं, पंजा तो बिल्कुल नहीं लड़ा सकते। एक काम करते हैं ना, हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। मैं चोर बन जाऊंगा ना, और आप लोग पुलिस बनना। अरे पकड़ो उसे। इतना तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दौड़ाया, अब तेरी कलाई क्या, तुझे ही मोड़ दूंगा। कैसे समझाऊं इन लोगों को कि मुझे छूना कितना रिस्की है। मैंने तुझे बचा लिया। तूने मुझे नहीं, उन तीनों को बचाया है। क्या हुआ, चुप क्यों है? चल हाई फाइव दे। अरे नहीं यार, वो बप्पू मेरे हाथ ना गंदे हैं, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को खुशियां देता है ना, अब बैक्टीरिया थोड़ी। चल बाद में मिलते हैं। अरे बाद में मिलते हैं, बाय बाय। काश फाटर को इस मुसीबत का हल मिल गया हो, आखिर कब तक मैं ऐसे भागता फिरूंगा। मैंने इस फल का पूरा निरीक्षण कर लिया है, इसका कोई भी इलाज वीरलोक में नहीं मिल सकता। इसका मतलब है मस्ती परी और खुशी हमेशा पत्थर की मूर्ति बने रहेंगे। इस बार तिमनासा ने ऐसी चाल चली है इसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा कभी तो इतिहास में हुआ होगा कि किसी ने किसी को पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। हाँ, एक देवी के साथ ऐसा हुआ था, उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवीर? परम शक्तियों के आशीर्वाद से। अगर महर्षियों के श्राप का तोड़ वर्षों बाद भी मिल सकता है तो तिमनासा का क्यों? कहीं और नहीं, तिमनासा की इस चाल का तोड़ वहीं होगा जहां ये साजिश रची गई है। बनी परी। हाँ बालवीर। मुझे आपकी शक्तियों की जरूरत है, बताओ क्या करना होगा। इस समय तिमनासा काललोक में क्या कर रही है, मैं वो सुनना चाहता हूं।
बालवीर, ये नाद सुरंग है। इस सुरंग की मदद से हम कालों की हर छोटी बड़ी आवाज सुन सकते हैं। रानी, रन्नी उंगली की कसम, ये तो वो है, वो नारियल। अब इससे आप क्या करने वाली है? तुम्हारे सर पे फोड़ के अपनी जीत की खुशी मनाने वाली है। अरे तो सुन सुन, बताइए ना। जब डाली इस कठोर फल में वही मीठा पानी है जिससे विवान के हाथों पत्थर के बने लोगों का इलाज किया जा सकता है। हाँ तो भैरानी, इस फल को अभी अभी वो कर देना चाहिए, नष्ट। कहीं बालवीर को पता लग गया तो हमारा सारा वो बिगाड़ देगा खेल। हाँ क्या हुआ, चौंक गई तिमनासा? हाँ देखो, इतना चौंक गई मैं, देख नहीं रहा? ये तिमनासा हंस क्यों रही है? क्या भाभी भी नहीं आई है? खुशी, हाँ ठीक है, कहाँ चली गई? इतनी देर से कहाँ था तू? मैं वो बोलो नहीं सुनो। खुशी को देखा है तूने बाहर कहीं? अभी तक स्कूल से नहीं लौटी है वो। फिक्र मत करिए मम्मी, दीदी अपने किसी दोस्त के घर चली गई होगी। ऐसा तो कभी नहीं करती है वो, बिना बताए तो कभी खेलने भी नहीं जाती है खुशी। मैं अभी गोपू से लेके घर पूछ कर आता हूँ ना। मैंने पूछ लिया है हर जगह, किसी ने नहीं देखा है उसे। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। इतना परेशान मत होइए मम्मी, आपको याद है ना कुछ दिनों पहले चिंटू भी गायब हो गया था, लेकिन वो यहीं से मिल गया था ना। मम्मी आपको पता है ना 3 दिन बाद यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, तो क्या पता दीदी किसी के घर पे नोट्स बना रही होगी। और आपको तो पता है ना कि दीदी को पढ़ाए के वक्त कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए शायद फोन करना भूल गई होंगी। हाँ, तो सच कह रहा है, देव के घर होगी खुशी, वो उसकी बहनों से ट्यूशन लेनी होगी ना। पढ़ाई करते वक्त तो खाना पीना भी भूल जाती है वो, तो फोन करना भूल गई होगी। मैं उसे जाके देखती हूँ वहीं पर। ये तूने क्या बुद्धि है विवान, दीदी तो सच में पार्टनर के घर पे ही है। मम्मी मम्मी रुको, बात करना पानी पर। लेकिन मैं नहीं चौंकोगे तो अब तुम लोग, क्योंकि जो फल तुम्हारे पास है वो असली नहीं, नकली है, क्योंकि असली फल तो मेरे पास है। चलो बालवीर, बालवीर तुम अभी भी यहीं खड़े, गए नहीं अपनी परियों के साथ? अगर वो फल असली होता तो तुम ऐसे चुपचाप नहीं खड़ी होती। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है बालवीर, कि वो अमृत जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए इसमें है? तो ये लो। इससे पहले कि मम्मी अंदर जाए भाई परी को बताना होगा। मम्मी रुको, दीदी देवरों के घर में नहीं है। मम्मी दीदी देवरों के घर पे नहीं है। लगता है करुणा जी खुशी को ढूंढते हुए इधर ही आ रही है। मम्मी दीदी यहाँ नहीं है, मैंने पूछ लिया है, दीदी देवरों के घर में आई थी। दीदी अच्छा हुआ तो मिल गई, खुशी आई है क्या यहाँ पढ़ने? नहीं नहीं तो खुशी यहाँ पर नहीं है।
तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो दीदी? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है करुणा जी, वो मैं बाहर जा रही थी कुछ खरीदने। चलिए ना चलते हुए बात करते हैं। हाँ चलो। मुझसे क्या छुपा रही हो तुम? तुमने सैंडल भी नहीं पहनी और तुम बाहर जाने की जल्दी में? अब वो भूल गई होंगी ना सैंडल पहना है ना। हाँ वो देखो चलिए ना करुणा जी, खुशी बाहर ही कहीं खेल रही होगी ना। चल चलिए बात करते हैं। दीदी बाहर ही होगी। करुणा जी, मम्मी दीदी यहाँ पर नहीं है, बाहर खेल रही होगी।